ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है खट्टी मीठी इमली की चटनी और आंवले और हरी धनिया से बनने वाली तीखी चटपटी और चटाकेदार चटनी। हाय फ्रेंड्स, स्वाद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रितु और आज मैं बना रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी और आंवले की चटनी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है इमली। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम इमली ली है, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। ये बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मसल मसल के इसके रेशे और बीज वगैरह अलग कर देंगे और उसका पानी जो है, जो गूदा निकलेगा ना, उसको अलग कर देंगे। ये देखिए, सारे बीज और रेशे मैंने निकाल के बिल्कुल अलग कर दिए हैं और उसका बढ़िया सा एक पल्प निकल के तैयार हो गया है। अब इसको एक छलनी से हम छान लेंगे, सूप छानने वाली छलनी से, ताकि इसमें और भी जो भी इम्प्योरिटीज़ रह गई हो ना, वो भी निकल जाएँ। जो थोड़े बहुत रेशे वगैरह रह गए ना, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें थोड़े बहुत रह गए थे ना छोटे छोटे रेशे, वो भी निकल गए और ये बहुत ही बढ़िया सा एक पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको मैं एक पतीले में डाल के मैंने गैस पे रखा है। मैंने 250 ग्राम इमली ली थी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गुड़ लिया है। अगर आप गुड़ डालना नहीं चाहते तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं, यानी चीनी चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और आँच को तेज कर देंगे ताकि इसमें एक उबाला आ जाए, और फिर धीमे कर देंगे उबाल आने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ऊपर एक झाग सा दिख रहा है ना, जब हम चीनी या गुड़ का यूज़ करते हैं तो ये इसमें जो चीनी और गुड़ में गंदगी होती है ना, वो झाग के रूप में ऊपर आ जाती है। उसको हम निकाल दें, जितना आप निकाल सकते हो उतना निकाल दें। थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो कोई बात नहीं। इस चटनी को फ्रेंड्स आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया बनती है। आप इसे जिसके साथ भी चाय खाएं, दही बल्ले के साथ, चाट पापड़ी के साथ, टिक्की चाट के साथ, सभी के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। अब इसको धीमी आँच पे आप चढ़ा के घर में कोई और काम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी के पास ही खड़े रहें। आप इसको धीमी आँच पे रख दें, बीच बीच में एक दो बार हिलाते रहें और घर का अपना और भी कोई भी काम कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नया है वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसे अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है। इस टाइम पर मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के काला नमक। हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप काला नमक ज़रूर डालिएगा, काला नमक से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर डाली है इसमें 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च। मैं यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये तीखी कम होती है और उसका कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो जो मिर्च है आपके पास, आप इसमें वो डाल सकते हैं। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर, जिसको मैंने कूट लिया था, थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है ना। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर जो इमली यूज़ की थी ना, वो बीजों और रेशों वाली थी, क्योंकि मेरे पास वो ही थी। आपके पास अगर बगैर बीजों और रेशों वाली इमली है, वो भी मार्केट में मिलती है, तो आप उससे भी बना सकते हैं। उसको आधे घंटे के लिए गर्म पानी में करके भिगो दीजिए और फिर उसको आप एक बार मिक्सी में पीस लीजिए। बहुत बढ़िया पेस्ट तैयार हो जाता है। फिर जैसे मैंने इसको छाना था ना, आप उसी तरह से बिल्कुल करके बना सकते हैं। ये देखिए कितनी गाढ़ी और बढ़िया चटनी बन के तैयार है। आप इसे महीनों तक स्टोर करके रखें, बिल्कुल नहीं खराब होती है। अब मैं बना रही हूँ आंवले और हरी धनिया की तीखी वाली चटनी। ये देखिए आंवले, मैंने यहाँ पर 4 आंवलों को इस तरह से कट कर लिया है, इसका बीज जो है निकाल दिया है। 1 बंच मैंने धनिया ली है, 4 मैंने लिए हरी मिर्च और 4 कलियाँ लहसुन की ली है मैंने। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्सी के एक जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कि सभी को पता है कि आंवला बहुत ही हेल्दी होता है हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए, और हम सभी को उसको ज़रूर खाना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा ही मैं इसमें पानी डालूंगी। बहुत ज़्यादा पानी फ्रेंड्स मत डाल दीजिएगा, नहीं तो आपकी चटनी बिल्कुल पनीली पानी जैसी हो जाएगी। 1 चम्मच मैंने पानी डाला है इसमें और इसको पीस लिया है। अगर आपको ज़रूरत लगे थोड़ा और पानी डालने की, तो थोड़ा सा पानी आप और डाल सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है, और खाने में तो आप पूछिए मत, इतनी टेस्टी होती है और हेल्दी तो बहुत ही है ये। इसको आप पकौड़ों के साथ, परौठों के साथ, सब्जी के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही यमी लगती है ये खाने में। ये देखिए फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी और आंवले की और हरी धनिया वाली तीखी और चटाकेदार चटनी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन आ जाए। बाय बाय।